नमस्कार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। सिंगरौली जिले के विकसित भारत संकल्प यात्रा की अग्रसर कड़ी में चितरंगी विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत सुकहर एवं ग्राम पंचायत कुड़ैनिया में शामिल होकर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह ने डबल इंजन की सरकार की उपलब्धियों को सरोकर मोदी की गारंटी को आश्वस्त करते हुए लोगों को संबोधित किया कि सामाजिक भेदभाव को भूलकर विकास के लिए एक हो भारतवासी बने। इसलिए प्रधानमंत्री जी ने चार जातियां बताई है, दलित, महिला, युवा और किसान। हम सभी लोग हैं। खेती का उचित मूल्य, आसान किसानी, किसान के परिवार की समुचित देखभाल होने से भारतीय बेहतर जीवन जी सकेंगे, क्योंकि 60% लोग किसान हैं। सिंचाई की गारंटी, समुचित आपदा प्रबंधन की गारंटी, किसान सम्मान निधि अमृत है। किसानों के लिए मजबूत खेती, मजबूत भारत, महिला रूढ़ियों से मुक्त होकर आगे बढ़ रही हैं। राजनीतिक अधिकारों का परिणाम है कि हमारी बहनें सरपंच, जनपद अध्यक्ष, जिला पंचायत अध्यक्ष और विधायक और सांसद बन रही हैं। लाडली बहना लाडली लक्ष्मी ने समाज के बच्चियों के प्रति नजरिए में बदलाव लाने का काम किया है। अब कोख में हत्या नहीं होती। नव युवक अपने सपनों को आकार देना चाहता है। प्रशिक्षण और पूंजी देने का काम मोदी सरकार और एमपी सरकार कर रही है। दलितों को भी साथ लेना हमारी सरकार की योजना है। आवास योजना, गरीब कल्याण योजना, आयुष्मान कार्ड, हर घर नल से जल, उज्ज्वला गैस योजना, सिकल तेल के विरुद्ध अभियान, क्षय रोग के विरुद्ध अभियान, वंचितों, गरीबों की लाचारी अभाव से बाहर लाकर विकास के मुख्य धारा से जोड़ रही है। उक्त अवसर पर राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह के अलावा जनप्रतिनिधि एवं बीजेपी के नेता कार्यकर्ता, साथ ही तहसीलदार ऋषि नारायण सिंह, मुख्य कार्यपालन अधिकारी हरीश चंद्र द्विवेदी, आई ब्रिजेश कुमार पांडे सहित अन्य प्रशासनिक अमला, ग्राम पंचायत सचिव, सरपंच व स्थानीय मौजूद रहे। ऐसे ही खबरों से जुड़े जानकारी के लिए बने रहें पोल खोल पोस्ट पर। धन्यवाद।